हेलो फ्रेंड्स, शांति शालिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम तिल के लड्डू बनाना बताएंगे जो सर्दियों में बहुत ही लाभप्रद होते हैं। और तिल के लड्डू में हम गुड़ डालेंगे। ये हमने गुड़ लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये धुले हुए तिल हैं। ये हमारी जो कढ़ाई है उसमें ये डाल देंगे और धीरे धीरे चलाएंगे। तिल को जब तक सेकते रहेंगे जब तक थोड़े ये ब्राउन ना हो जाएं, इसमें जो मॉइस्चर है वो समाप्त ना हो जाए। तिल को बराबर तली तक चलाते रहें जिससे तिल नीचे लग ना जाए। मकर संक्रांति पर हर घर में लड्डू बनाए जाते हैं, खाते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं तिल के लड्डू। आप भी इस तरीके से घर में बनाएं, खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। केवल 5 मिनट में ही ये तिल हमारे सिक्के तैयार हो जाएंगे। तिल को जल्दी जल्दी चलाते रहें जिससे ये तिल नीचे लग ना जाए। हमने तो ये धुले हुए तिल लिए हैं, आप बगैर धुले तिल ले सकते हैं, लेकिन उनको एक बार अच्छी तरीके से घर में साफ कर लें, पानी से धो के उसको फिर सुखा लें 1-2 दिन पहले, फिर सेक कर लड्डू बनाएं। ये हमारे तिल देखिए सिक चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। इन तिल को हम किसी भी बर्तन में इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमने तिल इसमें निकाल लिए हैं। अब इसी बर्तन में हम ये गुड़ डाल लेते हैं। तिल की मात्रा से ज्यादा गुड़ लेते हैं, हमें कोई ज्यादा चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ कढ़ाई में अच्छी तरीके से थोड़ा घुल जाए, मेल्ट हो जाए, जिससे तिल डालने में और उन गुड़ को बांधने में आसानी हो सके। तिल के लड्डू बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए हमारा ये गुड़ इतनी जल्दी मेल्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी चलाएंगे। कोई एक तार की दो तार की चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ तिल और गुड़ आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए इतनी देर तक हमें गुड़ को गर्म करके पिघला लेना है। ये हमारी देखिए गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब गैस हम ऑफ कर देंगे और ये गुड़ की जो मेल्ट हुआ है इसको जल्दी जल्दी चलाते रहें। अब इसके अंदर हमारे जो भुने हुए तिल हैं, देखिए इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको बराबर जल्दी जल्दी चलाएंगे, चारों तरफ से चलाते रहें और मिक्स करते हैं इस तरीके से। एक बार फिर बताना चाहूंगी, तिल से ज्यादा आपको गुड़ लेना है। अगर आपके आधी किलो 500 ग्राम तिल है तो कम से कम 600 ग्राम गुड़ लें। गुड़ कोई नुकसान नहीं करता, गुड़ बच्चों को बहुत फायदा करता है। गुड़ में आयरन होता है, तिल भी बहुत फायदा करते हैं, शरीर में ऊर्जा रखता है। तो सर्दियों में
ये हमारा देखिए सारा मिक्स हो चुका है आपस में। अब हम एक बर्तन में इस तरीके से फ्राई करते हैं इसको। लड्डू हम थोड़े तेज गर्म में ही बांधेंगे, ठंडा होने पर एक लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ा ऐसे चलाकर ठंडा भी कर लें, ज्यादा गर्म भी लड्डू आप नहीं बांध सकते। दो तीन बार इस तरीके से थोड़ा इसको ठंडा करें। ये घी लिया है हमने, हाथ पर लगाएं थोड़ा इस तरीके से, मल लें दोनों हाथों पर और थोड़ा थोड़ा लेकर आप अभी थोड़ा गर्म और ठंडा कर लें। बड़ी सावधानी से बनाएं, हाथ को ना जलाएं, ज्यादा टाइम लगता है इसको ठंडा करने में, सर्दियों के दिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना गर्म गर्म ही बांधते जाएंगे। जिस आकार के लड्डू चाहें आप बांध सकते हैं, छोटे छोटे भी बांध सकते हैं। घी को बराबर हाथ में इस तरीके से लगाते रहें जिससे आपके लड्डू अच्छे और सुंदर बन सके। सारे लड्डू अपने इसी तरीके से बनाएंगे, घी लगाएंगे तो फटाफट बन जाएंगे, हाथ में भी नहीं चुकेंगे तेल। हमारे लड्डू सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से लड्डू बन गए हैं हमारे। देखिए कितना आसान है लड्डू बनाना। थोड़े से लड्डू मैंने ये इधर भी बना के रखे हैं। बस इसी तरीके से आप 5 से 10 मिनट के बीच तक आप लड्डू तैयार कर लेंगे तिल के। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।